मुनावा फारूकी को हम उसकी पर्सनल लाइफ पे जज नहीं करते। मुनावा फारूकी का टैलेंट देख के मुनावर की जनता बनी। मुनावर ने अपनी जनता को बहुत कंटेंट दिया, बहुत ज़्यादा हंसाया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही चीज़ें करके दिखाई और लोगों के नज़रिए बदले। मुनावर एक टैलेंटेड इंसान है, मुनावर एक आर्टिस्ट है, उसके बेसिस पे लोगों ने उसको पसंद किया। डे वन से मुनावर बिग बॉस 17 में आके जिस तरीके से अपनी जनता को एंटरटेन कर रहा है, उस बेसिस पे लोग उसको प्यार करते हैं, ना कि पर्सनल लाइफ की बेसिस पे। अभी मेकर जो है पर्सनल लाइफ को लेके आके रख रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं बाहर की किसी लड़की को इस गेम में, जिसके कारण मुनावर डिफेम हो रहा है और इसीलिए अब टैग स्टार्ट हो चुका है, स्टॉप डिफेमिंग मुनावर। सही बात है, मुनावर को डिफेम करना भाई बंद करो उसको। वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसने स्टैंड अप कॉमेडी शो करके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक बना, अपने खुद के दम पे नाम कमाया। अब दूसरे लोग उसको डिफेम करके अपना नाम कमाना चाहते हैं तो भाई ना तो मुनावर की जनता किसी का साथ देगी और ना तो देना चाहिए मुनावर की जनता को किसी इस ऐसे इंसान का साथ जो कि एक्चुअली में डिफेम कर रहा है मुनावर को और मुनावर के नाम पे अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहा है। तो बस मैं तो यही बात कहना चाहूँगी, स्टॉप डिफेमिंग मुनावर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।